अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको फ़ारस कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। आज की रेसिपी मैं गोभी गोश्त की लेके आई हूँ। इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने रेड मीट लिया है। आप बीफ या मटन का जो आप पसंद करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 kg लिया है। इसके साथ साथ फूल गोभी, ये मैंने एक मीडियम साइज़ की ली है और इसको काट लिया है। 2 medium size के कटे हुए प्याज, 2 बड़े साइज के टमाटर कटे हुए, जिंजर और गार्लिक की पेस्ट 1 1 tablespoon। स्पाइस में यहाँ मैं रेड चिली पाउडर 1 1/2 teaspoon, हल्दी पाउडर 1/2 teaspoon, साल्ट में 1 teaspoon इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ गरम मसाला पाउडर 1 tablespoon और मेथी, कसूरी मेथी, ये 1 tablespoon मैं इस्तेमाल करूंगी। यहाँ मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ गोश्त को गलाने के लिए। आप यूं ही बर्तन में डाल के भी गोश्त को 70% जो है पका सकते हैं और उसके बाद जो है भून के जो फूल गोभी है उसको डाल के पका सकते हैं। मगर यहाँ मैं कुकर का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि कुकर में ज़रा जल्दी जो है ये डिश तैयार हो जाएगी। यहाँ मैं कुकर के अंदर कटा हुआ प्याज, टमाटर, ये गोश्त, यहाँ ये जो स्पाइस है ये मैं डाल दूंगी और ये जिंजर और गार्लिक की पेस्ट। इसके साथ साथ इसके अंदर मैं 1 cup पानी डालूंगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इस कुकर को 15 मिनट के लिए चलाऊंगी। ये विसल चलने के बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए इस गोश्त को पकाना है, गलाना है और इसके बाद फिर मैं जो है आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब मैं कुकर को बंद कर देती हूँ। यहाँ मैंने कुकर खोल लिया, अब मैं एक अलग से एक और बर्तन लेती हूँ। और इसके अंदर 1/2 cup में ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके अंदर ये जो मेथी है और ये जो गरम मसाला पाउडर है ये मैं डाल दूंगी। और इसके साथ ही मैं जो ये मीट है सारा डाल के भून लूंगी अच्छी तरह। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए भूनूंगी और इसके बाद जो कटी हुई हमारी गोभी होगी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। यहाँ गोश्त अब भून चुके और मैं इसके अंदर गोभी कटी हुई डाल दूंगी। गोभी जो है ये अंदर मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 अदर कटी हुई ग्रीन चिली डाल दूंगी।
अब ये गोभी और गोश्त जो है ये भी मैंने 15 से 20 मिनट इसको भी भूनूंगी। अगर मुझे थोड़ी बहुत ग्रेवी चाहिए होगी तो मैं अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। अगर आप ड्राई हालत में इसको रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पानी बिल्कुल ना डालें। ये सालन अच्छी तरह भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप में पानी डाल दूंगी। और अब इसको मज़ीद 5-7 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूंगी और इसके बाद हमारी ये डिश तैयार हो जाएगी। हमारी डिश तैयार हो चुकी है। मैं लास्ट में ये कटा हुआ धनिया इसके अंदर डाल दूंगी। और हीट ऑफ कर दूंगी। मैं इसको सर्विंग बर्तन में निकाल लेती हूँ। गोभी गोश्त की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी। मैं इसी तरह की अच्छी रेसिपी लेके आपके पास हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।